अहमदाबाद के मैदान पर आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से धोया। विल जैक्स और विराट कोहली के आगे गुजरात का बॉलिंग अटैक मजाक बनकर रह गया है। जैक्स ने आखिरी दो ओवर में 57 रन ठोकते हुए शानदार सेंचुरी जमाई। वहीं किंग कोहली ने भी मेजबान टीम की गेंदबाजों की खूब खबर ली। होम ग्राउंड पर मिली शर्मनाक हार से कप्तान शुभमन गिल नाराज दिखे। शुभमन गिल ने हार का ठीकरा गेंदबाजों के सिर फोड़ा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि विल जैक्स और विराट कोहली की तरफ से कमाल की हिटिंग देखने को मिली है। हमको अगले मैच में बेहतर प्लान के साथ आना होगा और उस पर अमल भी करना होगा। आप जब बल्लेबाजी करते हैं तो हमेशा 15-20 रन ज्यादा बनाने चाहते हैं। हमको लगा था कि 200 का टोटल अच्छा होगा, हालांकि ये चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई। हम बीच के ओवरों में विकेट छटकाने में नाकाम रहे। मुझे लगता है कि यही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। दरअसल विराट कोहली और विल जैक्स ने गुजरात के बॉलिंग अटैक से जमकर खिलवाड़ किया। दूसरे विकेट के लिए जैक्स और कोहली ने मिलकर 166 रन की बेहतरीन साझेदारी जमाई। जैक्स ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और 41 गेंदों पर 100 रन की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान आरसीबी के इस बैटर ने 5 चौके और 10 छक्के जमाए। दूसरे छोर से विराट कोहली ने भी खूब धूम मचाई। कोहली के बल्ले से 44 गेंदों पर नाबाद 70 रन निकले। किंग कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान 159 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 6 चौके और 3 छक्के लगाए। विराट ने इस पारी के साथ ही आईपीएल 2024 में 500 रन भी पूरे किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट की ऐसी शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।